में आपका स्वागत है। आज हम सिखाएंगे आलू के क्रिस्पी पकौड़े, इनको भजिए भी कहते हैं। ये आलू के क्रिस्पी पकौड़े इतने अच्छे लगते हैं खाने में, इतने टेस्टी लगते हैं कि आप एक बार खाओगे बार बार बनाओगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें आलू ले लिए, इनको धोकर रख लिया है, अब छीलेंगे, छील कर इसको कद्दूकस करेंगे। तो चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब जो आलूओं के अंदर जो पानी होता है हमें उसको निकालना है। तो उसको एक कपड़े में रखो, आलूओं को सारा पानी निकालना है हमें, जब ही हमारे पकौड़े भजिए सही बन के तैयार होंगे। हमें इनका सारा पानी निकालना है। बिल्कुल सब पूरा पानी निकालना है हमें, जब भी हमारे भजिए एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। सारा पानी हमारा निकल चुका है। अब हम इसको इस पतीले में रखेंगे। पानी को हम इधर रख देंगे। अब डालेंगे हम इसमें मसाले। उसके लिए हमें प्याज डालेंगे थोड़ी स्वाद। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमने इनको प्याज को ने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, हरी मिर्च को भी। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, जीरा, हींग, और ये भजिए बनके बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको आप चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। इसमें थोड़ी हम क्रश करके अजवाइन डालेंगे। और इसमें मैदा डालेंगे, 2 से 3 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और इनको मिक्स करेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया है। मैदा हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस ऐसा ही हमें पेस्ट बनाना है, जैसे ऐसे ये बंधने लग जाए पकौड़ों की तरह। बस इस तरीके से हमें तोड़ना है। अब हम गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें भजिए तोड़ेंगे हम। भजिए हमें ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। और हमें ये भजिए इतने अच्छे लगते हैं खाने में कि आप एक बार बना के ज़रूर देखना। इसको ज़्यादा बड़े बड़े नहीं तोड़ना हमको, और मीडियम फ्लेम पर, ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है हमें, जब ही हमारे भजिए क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अब इनको हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। भजियों को हमें इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर सेकना है। आप इस तरीके से भजिया बनाओगे ना तो आपकी भजी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगी। भजिए हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब भजियों को हम निकाल लेंगे। देखो कितने अच्छे सिक्के तैयार हुए हैं हमारी भजिए। देखो वाह, जिसका भी खाने का मन ना लगे उस वो भी खा जाए। देखो कितने क्रिस्पी हैं, वाह। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके से हम सारे भजिए बना लेंगे। भजियों को हमें इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।